आप सभी का स्वागत है अपने ही YouTube चैनल नेचर कैनवास में। दोस्तों, समर्स का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो समर्स के ही फ्लावरिंग प्लांटों की बात की जाएगी। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग बेल के बारे में बात करेंगे जिसका कि नाम अपराजिता है। उसे अपराजिता शंख पुष्पी, देखिए इसके फूलों का आकार जो है वो शंखों के जैसा होता है, इसलिए शंख पुष्पी भी कहा जाता है। इसमें विष्णु कांता भी कहा जाता है। कहते हैं इसके फूल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होते हैं, इसलिए इसे विष्णु कांता शंख पुष्पी भी कहा जाता है। बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं, ब्लू कलर और वाइट कलर में आते हैं, तो ये दो कलर के इसके फूल होते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि ये बेल बहुत शुभ होती है, अगर इसे घर के मेन एंट्रेंस पर लगाएं तो हमारे घर में पॉजिटिव वाइब्स आती है, एक सकारात्मक ऊर्जा आती है। ऐसा शायद इसलिए भी कहा जाता होगा क्योंकि इसे शंख पुष्पी कहा जाता है, विष्णु कांता कहा जाता है। इसके फूलों का आकार ही शंख के जैसा होता है और जैसा कि हमारे हिंदू पौराणिक मान्यताओं में है, शंख को एक विशेष महत्व दिया गया है, भगवान विष्णु को एक विशेष महत्व दिया गया है। तो जैसा कि यह है कि आपके घर के द्वार पर शंख रखा है, शंख जैसे शंखनाद हो रहा है तो बहुत शुभ माना जाता है, तो इसलिए ये बेल बहुत शुभ मानी जाती है अगर घर के दरवाजे पर लगाई जाए या घर के मेन एंट्रेंस पर लगाई जाए। तो कहते हैं आपके घर की सारी दुख दरिद्रता परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं इस बेल को अभी लगाने वाली हूँ। ये तो मेरे आसपास के गार्डन में थी तो मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ, बाकी मैं इसे ज़रूर लगाकर देखूंगी मेन एंट्रेंस पर। तो कहते हैं कि सारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो सारी दूर हो जाती है, आपके घर में हैप्पीनेस आती है, बहुत शुभ रहती है ये बेल। तो अगर आप इस ये बहुत ही खूबसूरत फूलों वाली बेल है, आप इसे अपने घर के मेन एंट्रेंस पर ज़रूर लगाइए। आज हम इसी के बारे में आपसे बात करेंगे। दो तरह के फूल आते हैं, एक तो नीले कलर में और एक ही सफ़ेद कलर में, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं इसके फूल। और मतलब इस प्लांट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको, आपने कभी अगर मटर का पौधा देखा होगा तो उसके ऊपर जैसे फूल आते हैं वैसे ही इसके फूल आते हैं, और इस पर फलियाँ भी बिल्कुल मटर के पौधे के जैसे बनती हैं, जैसे मटर के पौधे पे बनती हैं। ये देखिए इस तरीके से इस पर ये फलियाँ बनती हैं जैसे कि आपको बिल्कुल मटर के शेप की हों, बिल्कुल एक तरीके से ऐसा लग कह सकते हैं शायद ये मटर की फैमिली जैसे होती है, उसी तरीके का पौधा होता है। घर में बहुत शुभता देने वाला होता है, बहुत अच्छी एनर्जी आती है इससे, और आपके घर में सब कुछ बहुत अच्छे से रहता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या होती है, अगर आप इसे अपने गार्डन में लगा रहे हैं तो किसी ऐसी जगह लगाएं, पहले तो इसे बड़े पॉट में लगाएं, नहीं तो किसी ग्राउंड वगैरह में लगाएं तो बहुत अच्छा है। वरना अगर आप किसी छोटे पॉट में लगा रहे हैं तो आप इसे चढ़ने की ऐसी जगह लगाइए जहाँ से चढ़ने का पूरा सपोर्ट मिल सके। कोई ट्रेलिंग वगैरह अपने आसपास आप लगाइए जिससे कि ये बहुत अच्छे से चढ़ सके, क्योंकि बेलों वाले प्लांट को चढ़ने की बहुत जगह चाहिए होती है, और जब तक उन्हें चढ़ने की जगह ना मिले तब तक वो बहुत अच्छे से फैलते नहीं हैं। उनकी खूबसूरती भी तभी निखर कर आती है जब वो चारों तरफ फैलने लगते हैं। इसे वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसा कि मैंने बताया बेल वाले प्लांटों को वाटरिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप इसमें अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो आप इसमें मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र हर 10 दिन में देते रहिए, उससे इसकी क्या है ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, लीव्स का कलर बहुत अच्छा आता है, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। बोनमील इसमें आप नहीं दीजिएगा तो बहुत कम दीजिएगा। इसकी जब आप सॉइल बनाएं तो उसमें सरसों की खली, एक मुट्ठी नीम की खली ज़रूर डालिएगा, और तो कुछ दाने DAP के भी डालिएगा, जिससे क्या है इसकी जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी, तो जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी तो प्लांट बुशी होगा और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होगी। तो ये और हर 10 दिन में आप इसे मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र देते रहिए, और जो मैंने अपना समर स्पेशल फर्टिलाइज़र बताया है वो भी आप देते रहिए, इसे बहुत अच्छा लगता है इस तरह का। इस प्लांट की सॉइल हल्की सी स्लाइटली एसिडिक होनी चाहिए तभी इस पर अच्छी फ्लावरिंग आती है। प्रोपेगेशन का मैंने आपको बता दिया कि इसमें किस तरीके से फलियां बनती हैं, आप इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं, कटिंग के थ्रू भी ये बारिश के दिनों में बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। बहुत ही अच्छी चलने वाली खूबसूरत बेल है, आप इसे जितने बड़े जगह लगाएंगे उतना ही अच्छा फैलेगी, और जितना आप इसे सपोर्ट देंगे ट्रेलिंग वगैरह देंगे इससे ये उतनी ही खूबसूरत लगती है। वाइट कलर के और ब्लू कलर के दोनों फूल आते हैं, आजकल हाइब्रिड फूल इसकी वैरायटी भी आ गई है, हाइब्रिड में इसका एक पिंक कलर भी आता है, एक ऑरेंज कलर भी आता है, वो भी बहुत सुंदर लगते हैं।
तो ये अपराजिता की बेल अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बेल होती है। आपको इसे फुल धूप में नहीं रखना है, ये धूप को पसंद नहीं करती है जब बेल ज़्यादा। इसे 2 से 3 घंटे की धूप ही चाहिए दिन की, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे की। इससे ज़्यादा धूप ये बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो आप जिस भी एरिया में इसे लगा रहे हो वहाँ ऐसे एरिया में लगाएं जहाँ ज़्यादा धूप ना आती हो, दिन की तेज़ धूप तो इसे बिल्कुल ना मिला। वरना देखिए इसके पत्ते कितने नाजुक होते हैं, फिर ये गिरने लगते हैं। जब ये झड़का गिरने लगते हैं, बर्न हो जाते हैं, फ्लावर सूख जाते हैं, ड्राइड हो जाते हैं, तो ये फिर है ना ज़्यादा अच्छी नहीं फैलती है। तो आप इसे ऐसे जगह लगाएं जहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप ना आती हो, इसे दिन की बहुत कम धूप मिलती हो। तो ये कुछ अपराजिता से जुड़ी हुई जानकारी थी। बहुत अच्छी बेल है, सालों साल आपके पास बनी रहेगी। इसकी फलियाँ बन बन के गिरती रहती हैं, आप इसके बीज इकट्ठे कर सकते हैं। आसपास के गार्डन में कहीं पर भी जहाँ आपके पास ये बेल हो वहाँ से इसके बीज ले आइए, और मेरी तरह जैसे मैंने लगाए उसी तरीके से इसके बीजों को लगा दीजिए। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है। 7 से 8 दिन में इसके प्लांट भी निकल आते हैं, और बहुत ढेरों प्लांट निकल आएंगे। तो अगर आप इनसे कई जगह एक साथ मतलब एक दो फली से ही 7 से 8 प्लांट आपके पास आराम से निकल जाएंगे। सीडलिंग का आप ध्यान रखिए, इस पर पेस्ट का अटैक भी बहुत जल्दी होता है। तो नीम ऑयल स्प्रे करते रह कीजिए, नीम ऑयल नहीं तो सूपी वाटर का स्प्रे करते रह कीजिए, क्योंकि इन पर जल्दी है ना रस चूसने वाले कीड़ों का अटैक होता है, और वो सारी पत्तियों का रस चूस लेते हैं, फ्लावरिंग भी नहीं होती है इन पर। तो आशा करती हूँ दोस्तों जो अपराजिता से संबंधित मेरी दी हुई जानकारी है वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। इसे विष्णु कांता भी कहा जाता है, विष्णु भगवान को ये बहुत ज़्यादा प्रिय है इसके फूल, इसलिए इसे विष्णु कांता भी कहा जाता है, और बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। तो सब ये इस तरह के इसके सीड्स होते हैं। हमारे यहाँ पास के गार्डन में ही इसकी बेल लगी हुई है। मेरे पास इसकी बेल नहीं, मैं वीडियो तो आपके साथ गार्डन में बनाकर ही शेयर करूँगी। ये देखिए इस तरह की इसकी फलियाँ आई थी जिनको तोड़ कर मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं। एक कुछ इस तरीके से इसके काले काले बीज होते हैं ये। अब मैं आज इनको ग्रो करने जा रही थी तो मैंने सोचा आपके साथ इसका वीडियो शेयर कर लूँ। ये मेरा एक अलामांडा का प्लांट है, इसमें मैं इस बेल को ग्रो करने जा रही हूँ। तो इसी में मैं इसके सीड लगा दूँगी, क्योंकि जैसे कि ये प्लांट मेरा बहुत हाइट तक जाता है तो इसी पर ये बेल चढ़ जाएगी और इसी के सहारे ये चलती रहेगी। तो मैं इसके सीड ग्रो कर लेती हूँ। सीड तो ग्रो करना भाई आसान है, जैसा कि मैंने आपको प्रोसेस बता रखा है। होते हैं तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए और लगाइए, और इसकी खूबसूरती को एंजॉय कीजिए। जुड़े रहिएगा नेचर कैनवास के साथ, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। गुड बाय दोस्तों।